संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, सुन रहे हैं इस समय ज़्यादा विवाद में है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। देखिए, पहला तो आज मैंने पेपर में ही देखा कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संसदीय दल का संसदीय पार्टी का कोई हमारा अध्यक्ष नहीं, सब पेपर टीवी में आ गया। इसलिए हम समझते हैं कि आज से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। नंबर टू ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और पूरा हमारा कुशवाहा समाज एकजुट हो गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज के साथ धोखा दे करके और नीतीश कुमार के गोद में चले गए, जो कोई भी विरोधी मुख्यमंत्री के रूप में आज माना जाता है। अब ये उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ बात को कि जब नीतीश कुमार जी को एहसास हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कुशवाहा समाज में जनाधार नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी जिस जिला में जा रहे हैं, बक्सर में, आरा में कुछ दिन पहले मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, तमाम जिलाओं में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कुशवाहा समाज का नौजवान काला झंडा और अंडा भंडा लेकर उनका स्वागत कर रहा है और ये मीडिया में सब बातें आई है, तो बंद करने में बात आया है। तो जब सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में इतना विरोध हो रहा है, वो नीतीश कुमार से पागल तो है नहीं, अब ये वो बोले कि हमको डिप्टी सीएम करा दो, भैया जिसका समाज में एग्जिस्टेंस नहीं है उसको क्यों डिप्टी सीएम बना देगा। तो बाकी हम आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाने के लिए हमने अपनी समरस समाज पार्टी को मर्ज कर दिया था कुशवाहा समाज के को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं उपेंद्र कुशवाहा से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी सोशल इंकलाब पार्टी में आ गए, उनका पूरा मान सम्मान हम लोग को तो बेइज्जत भी किए, पार्टियों से निकाल दिए थे, लेकिन हम पब्लिकली हम समाज कुशवाहा समाज के सामने में बोल रहा हूँ